हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खर। फ्रेंड्स, आज की हमारे गेम जयकांत जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 2018 में हुए टाल मेमोरियल की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जहां आमने सामने थे अलेक्जेंडर बोर्जेविच और विश्वनाथन आनंद। फ्रेंड्स, वाकई में गजब की गेम। किस तरह से आनंद ने क्विन ट्रैप किया वो देखने लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं गेम को सीधा शुरू। यहाँ गेम की शुरुआत की थी अलेक्जेंडर बोर्जेविच ने E4 के साथ। E5 यहाँ आनंद ने किया। F4 किंग्स गैम्बिट विच वॉज एक्सेप्टेड बाय आनंद। ई टेक्स बिशप C4। देन मैं अगर यहाँ होता हूं तो मैं तो क्वीन H4 चेक, या फिर बिशप को यहाँ इस E2 स्क्वायर पर लाकर फिर एक चेक देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पर नाइट F6 पहले ब्लैक किया। नाइट C3 देन C6 B3 और बिशप B3 स्क्वायर पर, क्योंकि ब्लैक की इंटेंशन क्लियर है कि मैं आइज D4 को आगे पुश करेंगे ही करेंगे। वही काम यहाँ उन्होंने किया भी। D5 E takes D5, Knight takes D5, then Knight F3, Knight takes C3, B takes C3, then Bishop D6 स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। D4 देन Bishop G4, राइट को पिन किया, तो Queen D3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। देन Knight D7, Knight D2 स्क्वायर पर Queen E7। और फ्रेंड्स, Queen के E7 स्क्वायर पर आने के बाद अब आनंद अगले मूव में क्या थ्रेट, अगले मूव में सिंपल थ्रेट है उनकी कि यहाँ क्वीन से एक चेक देने के बाद अपने पॉन को मैं क्वीन एक्सचेंज करवाई जाए और अपने पॉन को E3 नाइट पर अटैक होगा, और उसके बाद एक कदम और आगे बढ़कर E2 स्क्वायर तक पहुंचाया जाए। और चूंकि बिशप का सपोर्ट रहने वाला है तो बहुत डेंजरस यहां से ये गेम हो सकती है। खैर, तो ब्लैक व्हाइट अब यहाँ क्या करे। मेरे ख्याल से मोर्जेविच एक ऑप्शन है उनके पास Knight E4 की। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इस डार्क स्क्वायर बिशप पर भी अटैक होगा। Bf5 नाइट पिन किया जा सकता है, लेकिन Bf3 बिशप कर प्रॉब्लम रहेंगी। चलिए वही देखते हैं जो गेम में हुआ था। व्हाइट की लाइफ यहाँ से इजी तो रहने वाली नहीं है। यहाँ Qe4 क्वीन एक्सचेंज ऑफर पहले मोर्जोविच ने दिया, लेकिन यहाँ अभी आनंद ने क्वीन एक्सचेंज न करके अपने क्वीन को रखा F6 स्क्वायर पर। और उसके बाद मोर्जोविच ने यहाँ नाइट को C4 स्क्वायर पर प्लेस किया और एक बहुत डेंजरस अटैक को अंडर एस्टिमेट या ओवरलुक कर गए। यहाँ पर आनंद ने किया Re2 E8 और क्वीन पर अटैक बनाया। और फ्रेंड्स, यहाँ से क्वीन कहाँ जा सकती है, सिर्फ आई थिंक इस क्वीन के जाने के लिए बचा है D3 स्क्वायर। और उसके बाद आगे आने वाला अटैक क्या होने वाला है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ मोर्जोविच अपने क्वीन को बचाते हैं D3 स्क्वायर पर, तो उसके बाद Be2 रुक और क्वीन पर फॉर्म। क्वीन सपोज H3 या D2, यही दो स्क्वायर बचेंगे इस क्वीन के जाने के लिए। तो मान लो H3 स्क्वायर पर चली जाए क्वीन, और उसके बाद यहाँ इस नाइट पर अटैक बना, जो कि मुझे बेटर मूव लग भी रहा है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक पहले करेगा Bf6, Qxd7। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर मोर्जोविच कर भी दें या व्हाइट कर भी दें, बिशप पर अटैक बने ही, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले यहाँ ब्लैक कर सकता है Re2, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत इजी लाइफ किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाली होगी यहाँ पर व्हाइट। खैर, तो शायद यही कारण रहा कि यहाँ मोर्जोविच ने डिसाइड किया कि ठीक है, ओके, क्वीन गॉन, देन इसको मिनिमम डैमेज के साथ दिया। उन्होंने यहाँ किया Nxd6, Re4, Nxe4, क्वीन के बदले में बिशप और रुक यहाँ पर व्हाइट ने लिया। क्वीन पर अटैक था, क्वीन गई E6 स्क्वायर पर। और अगले मूव में क्या अटैक यहाँ हो सकता है, किस तरह का, तो सॉरी, अटैक तो यही बनेगा, दूसरा कोई अटैक बनता ही नहीं। तो Re4 बिशप पर, बिशप गया F5 स्क्वायर पर, नाइट पर प्रेशर बना, तो नाइट गया वापस G3 स्क्वायर पर। और इसके बाद Bc2 आस्किंग फॉर Bx, और एक पॉन यहाँ पर आनंद को जीतने का मौका। Bc3 डायरेक्टली यहाँ इस रुक पर अटैक बना है, लेकिन यहाँ आनंद ने पहले किया Bc3, Bc8, दैट्स ओके, बिशप गया D5 स्क्वायर पर। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि यहाँ पर आनंद ने इस नाइट को पिन कर दिया, अपने बिशप को नहीं बचाया, लेकिन अभी इमीडिएट कोई थ्रेट नहीं है व्हाइट के। तो व्हाइट ने यहाँ अपने बिशप को बचाया E7 स्क्वायर पर। आई डोंट थिंक ये कोई अच्छा स्क्वायर है इस बिशप के लिए। शायद बिशप को सेफ स्क्वायर देना चाहिए था यहाँ पर व्हाइट को। चलिए कोई बात नहीं, क्वीन C2 यहाँ पहले आनंद ने किया, और उनका इरादा क्या है, डायरेक्टली चेकमेट करने का। और देखते ही देखते आनंद के पीसेस ऑल ओवर द बोर्ड नजर आने लगे। रुक गया F2 स्क्वायर पर, क्वीन पर दोबारा अटैक बना, तो Qxc3 रुक हटाना होगा, रुक गया B1 स्क्वायर पर। और यहाँ पर बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट आनंद को अभी भी है।
नॉट एग्जैक्टली अभी नाइट का डिफेंस है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बैक रेंज चेकमेट की थ्रेड जरूर है। तो यहाँ मेरे ख्याल से ये सही समय था जब आनंद अपने जी पॉन को आगे पुश कर सकते। बिशप आ नहीं सकता था जस्ट सिंपली बिकॉज अभी नाइट यहाँ रखा हुआ है। नाइट B6 पहले यहाँ आनंद ने किया, आनंद ने कोई भी चांस नहीं दिया व्हाइट के रुक को उसकी टेरिटरी में या सेवंथ रैंक में एंटर कर। बिशप C5 G6 देन बिशप टेक्स B6 A takes B6 रुक टेक्स B6 और अगले मूव में क्या थ्रेट है यहाँ मोरजोविच की। आप यहाँ इस F7 पॉन, खैर बिशप है यहाँ पर, ये मैंने और लुक कर दिया। क्वीन A1 चेक यहाँ आनंद ने किया, नाइट F1 से इसका डिफेंस यहाँ मोरजोविच ने किया, देन क्वीन टेक्स D4 और यहाँ एक पॉन और अभी ब्लैक ने लिया और साथ ही साथ रुक पर भी अटैक बनाया। रुक टेक्स B7 तो होना ही है, ये थ्रेट कोई मैं स्ट्रॉन्ग थ्रेट तो रही नहीं है। बिशप टेक्स A2 देन H4, फिलहाल ये रुक पिन है तो एच पॉन भी इसीलिए पुश किया जा सकता है कि अदरवाइज यहाँ ब्लैक को ये बिशप गवाना पड़ सकता है। H5 G3 देन बिशप गया D5 स्क्वायर पर और अगले मूव में क्या मैं थ्रेट कहूंगा इसे, डिस्कवर्ड अटैक या फिर मैं यहाँ कह सकता हूँ कि शायद हो सकता है कुछ इस तरह के अटैक बनने शुरू हो जाए। वेल रुक E7 पहले ही यहाँ मोरजोविच ने किया ताकि आनंद अपने क्वीन को इस E4 स्क्वायर पर प्लेस ही ना कर पाए। देन C5 नाइट E3 देन बिशप E6 स्क्वायर पर और ये लाइट स्क्वायर बिशप आनंद के लिए बहुत कीमती है। नाइट G2 क्वीन गई G4 स्क्वायर पर और फाइनली यहाँ इस पॉन पर अटैक है और अगर किंग ऊपर आता है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रुक F6 क्वीन टेक्स G3 रुक एट F takes E6 F takes E6 रुक टेक्स E6 और क्वीन के सामने एक नाइट एक रुक एक पॉन है, उसके लिए तीन पॉन है तो आनंद क्लियरली यहाँ बहुत अच्छी खासी लीड में आ चुके हैं। C4 ऊपर से सी पॉन भी आगे पुश कर दिया है। रुक E3 क्वीन पर अटैक, क्वीन गई C7 स्क्वायर। देन अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर रुक को C3 स्क्वायर पर प्लेस किया जाएगा तो क्या होगा, तो होगा क्वीन A7 चेक और किंग कहाँ जाएगा, H2 स्क्वायर पर जाएगा। देन रुक रुक पर तो अटैक यहां से बन ही जाएगा और काफी वीक मैं इसे मूव करूंगा। ज्यादा इंटरेस्टिंग वो था जो यहाँ मोरजोविच ने किया, उन्होंने यहाँ अपने रुक को रखा E2 स्क्वायर पर और यहाँ पर कह सकते हैं कि C2 स्क्वायर से इस पॉन को रोकने की कोशिश है सिंपली बिकॉज इस नाइट का डिफेंस अपने रुक तक आराम से आ सकता है और इस नाइट का डिफेंस क्या नाम, इस नाइट का डिफेंस ये किंग भी कर। C3 यहाँ आनंद ने किया, नाउ Ne3 एग्जैक्टली इस पॉइंट पर हो सकता था लेकिन उसके बाद भी मेरे ख्याल से ब्लैक इस नाइट को ही पिन कर लेता। खैर Rc2 और अब यहाँ एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आई थिंक गेम खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर आनंद चाहते तो क्वीन B6 चेक कर सकते थे और यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है और अगर यहाँ पर ओके मोरजोविच अपने किंग को मूव करेंगे F1 स्क्वायर पर, मुझे ऐसा लगा था कि ये प्रॉब्लम, क्योंकि अगर F1 स्क्वायर पर किंग जाएगा तो आनंद यहाँ एक चेक देने के बाद रुक पर अटैक बना सकते हैं लेकिन फॉर्चुनेटली ये नाइट आ जाएगा, चेक भी बच जाएगी और रुक पर भी डिफेंस हो जाएगा। ओके तो किंग अगर H2 स्क्वायर पर जाए, F1 स्क्वायर की ऑप्शन तो यही खत्म हो जाती है तो किंग D6 देन वही सब रहेगा यहाँ पर। खैर फ्रेंड्स चलिए शायद यही कारण रहा होगा कि क्वीन B6 चेक आनंद ने नहीं किया, उन्होंने यहाँ किया क्वीन C5 चेक, किंग गया F1 स्क्वायर पर देन क्वीन D4 और अगले मूव में नॉट एग्जैक्टली चेक की थ्रेट इस स्क्वायर से रुक लेने की थ्रेट है तो नाइट E1 यहाँ पहले ही मोरजोविच ने कर लिया है। किंग F7 किंग E2 अकेली क्वीन कभी चेक नहीं चेकमेट नहीं कर सकती, किंग को तो आना ही पड़ेगा। नाइट E2 देन किंग D5 स्क्वायर पर, नाइट E3 चेक किंग E4 स्क्वायर पर, किंग सही स्क्वायर पर जा चुका है आनंद के और अगले मूव में क्या होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल तो नाइट लेने की थ्रेट है तो मोरजोविच को अपना नाइट ही बचना होगा, नाइट या D1 स्क्वायर पर दैट्स ओके, क्वीन D3 चेक एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से तो यही रेजिग्नेशन बनता था लेकिन किंग E1 यहाँ पहले मोरजोविच ने किया और इस मूव के बाद यहाँ मोरजोविच ने रिजाइन कर दिया और रिजाइन मुझे नहीं पता, टाइम तो खत्म नहीं हुआ होगा, रेजिग्नेशन ही बनता है क्योंकि यहाँ रुक को बचाने का कोई भी तरीका नहीं। तो फ्रेंड्स कमाल की गेम जयकांत जी ने हमें बताई और उस पता नहीं मुझसे 2018 में कैसे ये गेम मिस हो गई, काफी मेरे ख्याल से मुझे उसी समय इस गेम के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।